ऑल इंडिया इंटर पब्लिक स्कूल खेलों का आगाज सोनीपत के राइस स्पोर्ट्स स्कूल में हुआ, जिसमें देश भर से 135 टीम भाग लेने के लिए पहुंची हैं, जिनमें 1550 महिला व पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। इंडिया खेलेगा तो आगे बढ़ेगा के मकसद को लेकर इन खेलों का आयोजन हो रहा है। यहां आयोजित खेलों में खास तौर से 7 तरह के मुकाबले होंगे और 5 जून को इनका समापन होगा, जिसमें हरियाणा के खेल मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को वर्ल्ड लेवल पर खेलने का इसमें इसके बाद मौका मिलेगा। मेरा नाम नचिता है। नचिता, कितने गेम हैं, किस तरह के गेम हैं, क्या अनुभव मिलेगा, कितनी प्रैक्टिस आप लोगों को? अब की बार IPSC में हमारे स्कूल में 7 गेम की हो रही हैं, हॉकी, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस। तो क्या अनुभव मिल सकता है इस खेल से? ये बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है हमारे स्कूल में। अनुभव हमें कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छी अच्छी टीम्स दूसरे राज्यों से आई हैं। प्रभु, क्या नाम है, क्या मानते हैं, कितने बच्चे इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, किस तरह की टीम है, कितने गेम हैं, क्या मानने की बाजी मारेंगे? मेरा नाम जानवी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में 135 टीमें आई हैं, 14 पूरे इंडिया के 14 राज्यों से, और 1550 बच्चे हैं। ये IPSC के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, इतना बड़ा टूर्नामेंट, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यह हमारे स्कूल में हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम कोशिश करेंगे, जैसे कि हर बार हरियाणा ही जीतता रहा है खेलों के मामलों में, हम कोशिश करेंगे अब की बार भी हम बाजी मारें। हम मेरा नाम प्राची है। प्राची, कितने टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, किस तरीके का अनुभव मिलने वाला है? ये 135 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और हम अपने प्रधानाचार्य के बहुत उपकारी हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि हम 7 गेमों में हमारी स्कूल ही विजयी हो, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें इसका अवसर मिला। सर, मेरा नाम दिशा है। कौन सी क्लास की छात्रा है? 12वीं। कितने इसमें टीमें हिस्सा ले रही हैं, किस तरीके का खेल से अनुभव मिलने वाला है? इसमें 135 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 27 स्कूल आए हैं, और ये IPSC की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि ऐसा 83 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, और वो भी हमारे स्कूल में हो रहा है, तो हम फॉर्चुनेट हैं कि हम इसके पार्टिसिपेंट हैं। मैं हिस्सा ले रही हैं, किस तरीके का अनुभव रहने वाला है बच्चों का, जैसे आपसे बातचीत होती है, तो कितनी टीमें हिस्सा रहेंगी, कितना क्या कुछ गेम रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, हम इस टाइम पर मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में हैं। यहाँ पर 83 ईयर्स का 83 साल के अंदर पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1550 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, 320 अधिकारी इसके अंदर आयोजन में लगे हुए हैं। ये एक अपने आप में एक कीर्तिमान है। हमारे स्कूल की 50 साल की हिस्ट्री के अंदर 50वां हमारा एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और हम इसको कंडक्ट करवा रहे हैं।
हमारा यकीन है कि मोतीलाल नेहरू स्कूल के बच्चे इसमें अव्वल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। सर कितनी तरह के गेम हैं? 7 गेम इसके अंदर हैं और अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग एज ग्रुप की टीमें हैं उसके अंदर। लगभग 135 टीमें टोटल होंगी जो इसमें हिस्सा लेंगी। कब तक चलने वाला है सर ये? 5 जून तक चलेगा। आज हम इसका उद्घाटन हुआ है।